अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु जो जेको पंहिंजो मौज़ू आहे उहो आहे सिंध जी तारीख़। हाणे अॼोके मौज़ू ते वञण खां अॻु में ऐं जेको कालो को लेक्चर थियो आहे उन में हिकिड़ो एरर हुयो त मैप्स ते जेॾी महिल असां ॻाल्हायो पिए उन टाइम ते बोर्ड ते फोकस न हुजण जे करे काफ़ी दोस्तनि जा इहे कमेंट्स पिया आया त सही नमूने सां ॾिसी न पिया सघनि। सो अॼोके लेक्चर ते वञण खां अॻु में ऐं जेको कालोको जेको लेक्चर थियो आहे उन में मैप्स वारे पोर्शन ते थोरो घणो ॻाल्हाए थो वठां ऐं थोरो बोर्ड ते उनजा एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह ॾेई थो वठां त जीअं तव्हांखे इहो उन में सम्झण में आसानी थी सघे त मैप ठहंदो कीअं आहे, कहिड़े तरीक़े सां ठहंदो आहे। सो पहिरीं पाण उन ते हलूं था। सो हाणे जेकॾहिं तव्हांजो सही नमूने सां फोकस हुजे बोर्ड ते, तव्हां जेकॾहिं बोर्ड ते ॾिसी सघो त हाणे हिते बुनियादी जेके शयूं आहिनि मैप जे हवाले सां हुया उहो तव्हांखे हिते ॿुधाइणु चाहींदुसि। सभिनि खां अहम जेका मैप में शइ हूंदी आहे उहा हूंदी आहे तर्फ़ या डायरेक्शन। ॿियो मैप में जेको अहम हूंदो आहे उहो हूंदो आहे स्केल। ऐं टियों जेका शइ मैप में ॾिनी वेंदी आहे अक्सर त जेके डिघाई फाकूं आहिनि या विकराई फाकूं आहिनि, लॉन्गिट्यूड या लेटिट्यूड्स आहिनि, इहे अहम हूंदा आहिनि। हाणे इन्हनि टिन्ही जी पंहिंजी पंहिंजी अहमियत आहे। तर्फ़ जूं जे करे अहमियत आहे त असांखे अंदाज़ो थी सघे जेको असां मैप ठाहियूं पिया कंहिं इलाइक़े जो या कंहिं जाइ जो उनजो कहिड़े डायरेक्शन तरफ़ मतिलबु हुनजी बीहक आहे, किथे बीठल आहे, कहिड़ी जॻह ते बीठल आहे, उनजे सही डायरेक्शन जो अंदाज़ो लॻाइण जे लाइ ज़रूरी आहे त असां डायरेक्शन खे नज़र में रखी करे पोइ मैप ठाहियूं। ॿी जेका शइ अहम आहे उहा आहे स्केल जी। जी कल्ह मूं तव्हांखे ॿुधायो पिए त जेतिरो वॾो इलाइक़ो आहे ओतिरो असां मैप नथा ठाहे सघूं, पॉसिबल न आहे। उनजे लाइ हल इहो हूंदो आहे त असां स्केल खे यूज़ कयूं। मिसाल तौरु मां हिते वरी एग्ज़ाम्पल तव्हांखे हिते ॾियां थो पहिरियों के लेक्चर वांगुरु। मिसाल तौरु हिकु किलोमीटर आहे त असां हुनखे हिकु सेंटीमीटर में ज़ाहिर करे सघूं था, हिकिड़े किलोमीटर खे हिकिड़े सेंटीमीटर में ज़ाहिर करे सघूं। साॻे नमूने सां मिसाल तौरु जेका हिकु माइल आहे उनखे असां हिकु इंच में ज़ाहिर करे सघूं था। हाणे इहो डिपेंड करे थो तव्हांजे मैप ते ऐं तव्हांजी कवरेज ते तव्हां केतिरो मैप या केतिरे इलाइक़े जो मैप ठाहिण था चाहियो। जेकर मिसाल तौरु तव्हां हिकिड़े घर जो मैप था ठाहिणु चाहियो त तव्हां हिकिड़े फुट खे हिकिड़े सेंटीमीटर में ज़ाहिर करे सघो था, या मिसाल तौरु तव्हां 10 फुटनि खे हिकिड़े सेंटीमीटर में ज़ाहिर करे सघो था। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, कहिड़े एरिया जो तव्हां मैप था ठाहियो, केतिरो कवर था कयो पंहिंजे मैप जे थ्रू उन एरिया खे, उन हिसाब सां तव्हां स्केल खे रखी सघो था। ॿियो जेको डायरेक्शन आहे उहो ज़हन में रखणु ज़रूरी आहे। जंहिं शीट ते या जंहिं स्क्रीन ते तव्हां मैप ठाहियो था इहो तव्हां ज़हन में रखो त डायरेक्शन उत्तर जो कहिड़ो आहे, ॾखिण जो कहिड़ो आहे। नॉर्मली पाण डायरेक्शन खे ज़ाहिर करण जे लाइ जेका की ॾिनल हूंदी आहे मैप में उहा हिन तरह जी ठहियल हूंदी आहे, तव्हां अक्सर मैप्स में ॾिठी हूंदी, उन में एरोज़ ठहियल हूंदा आहिनि। मथे वारो नॉर्थ खे ज़ाहिर कंदो आहे, हेठि वारो एरो साउथ खे ज़ाहिर कंदो आहे अक्सर, पर विच में ॾिनल हूंदो आहे ईस्ट ऐं वेस्ट खे ज़ाहिर कंदो आहे। हीउ उनजे करे करे ॾिनल हूंदो आहे त जीअं तव्हां सही अंदाज़ सां तरफ़ जो अंदाज़ो लॻाए सघो त कहिड़ी तरफ़ तव्हांजो फोकस हुजणु घुरिजे मैप ठाहिण जे वक़्तु, ऐं इनखे ॾिसी करे तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो त जेको बि इलाइक़ो उन मैप में ज़ाहिर कयल आहे आया उनजा डायरेक्शन्स कहिड़ा आहिनि, उनजो उत्तर कहिड़ो आहे, ॾखिण कहिड़ो आहे, ओभर कहिड़ो आहे, ओलह कहिड़ो आहे। ऐं ॿी जेका शइ हिते अहम आहे उहा आहे स्केल। मूं तव्हांखे ॿुधाए वरिती कहिड़े तरीक़े सां तव्हां हिकिड़े किलोमीटर खे हिकिड़े सेंटीमीटर में ज़ाहिर करे सघो था या हिकिड़े माइल खे हिकिड़े इंच में ज़ाहिर करे सघो था। वरी इहो डिपेंड करे थो तव्हांजे एरिया ते त केतिरे एरिया खे तव्हां फोकस सां कयो उन हिसाब सां। हाणे मिसाल तौरु पाण वटि इलाही सारा मैप्स ठहियल हूंदा आहिनि, पाकिस्तान जो मैप ठहियल हूंदो आहे असांजे बुक्स में, सिंध जो मैप ठहियल हूंदो आहे, ईअं ग्लोबली वर्ल्ड मैप ठहियल हूंदो आहे। उते तव्हां जॾहिं हिन स्केल ते नज़र रखंदव त तव्हांखे नज़र ईंदो उते 100 किलोमीटर बराबरि आहे 1 सेंटीमीटर, इहो ॾेखारियल हूंदो आहे। या कॾहिं कॾहिं अञा वधीक वॾे पैमाने ते तव्हांखे मैप ठाहियो आहे
जब मेल के ॾिसणो आहे तव्हां ॾिसंदो 1000 किलोमीटर ज़ाया कयो आहे हिकिड़े सेंटीमीटर में. त जीअं वॾे खां वॾो मेप नंढी खां नंढी शीट या स्क्रीन ते ज़ाहिर थी सघे अची सघे उनजे करे स्केल जी तमामु घणी अहमियत हूंदी आहे. हाणे असां अचूं था लॉन्गिट्यूड्स ऐं लेटिट्यूड्स ते. हाणे जेके लॉन्गिट्यूड्स ऐं लेटिट्यूड्स आहिनि उहे बेसिकली उनजे करे ॾिना वेंदा आहिनि त जीअं को बि जेको असां मेप ठाहियूं कंहिं बि इलाइक़े जो उहो अर्थ जे सरफेस ते सही तरीक़े सां असां एक्यूरेटली ॾेखारे सघूं, ॿुधाए सघूं त उहो फलाणो इलाइक़ो आहे या फलाणो जेको मुल्क आहे या फलाणो जेको सूबो आहे उहो उनजो जेको फलां इलाइक़ो आहे जेको असां पॉइंट आउट कयूं था उहो धरती जे उन इलाइक़े ते या फलां इलाइक़े ते मौजूदु आहे. ऐं लॉन्गिट्यूड जेके लाइन हूंदियूं आहिनि उहे मथे खां हेठि उत्तर खां ॾखिण तरफ़ ईंदियूं आहिनि ऐं लेटिट्यूड जूं जेके लाइनूं हूंदियूं आहिनि उहे ओलह खां ओभर या ओभर खां ओलह तरफ़ ईंदियूं आहिनि. तव्हां जेकॾहिं गूगल अर्थ ते वेंदो उते तव्हां लॉन्गिट्यूड ऐं लेटिट्यूड जा जेके कॉर्डिनेट्स आहिनि उहे ॾिसी सघो था. हाणे हिते मां एग्ज़ाम्पल ॾियां थो सम्झाइण जे लाइ. मिसाल तौरु हिते असां फर्ज़ी तौर ते नंबर ॾियूं था 10, 20, 30, 40, 50 इहे थी विया लॉन्गिट्यूड जा नंबर्स या कॉर्डिनेट्स. ऐं हिते असां ज़ाहिर कयूं था लेटिट्यूड जा कॉर्डिनेट्स या नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50. मिसाल तौरु हिकिड़ो ख़ासि इलाइक़ो असां सिंध खणूं था त सिंध हिन इलाइक़े जी मिसाल तौरु मौजूदु आहे. हाणे जेकॾहिं असांखे हिन जा लॉन्गिट्यूड ऐं लेटिट्यूड कॉर्डिनेट्स ॼाणणा हुजनि असां कैलकुलेशन कीअं कंदासीं. असां ॾिसंदासीं की हीअ लेटिट्यूड जी कहिड़ी लाइन हितां गुज़रे पई हिन इलाइक़े मां, मतिलबु लॉन्गिट्यूड जी कहिड़ी लाइन हिन इलाइक़े मां गुज़रे पई ऐं लेटिट्यूड जी कहिड़ी लाइन हिन इलाइक़े मां गुज़रे पई. हाणे हिते असां अंदाज़ो लॻायो त हीअ वारी जेका लाइन आहे उहा गुज़रे थी पई सिंध मां ऐं लेटिट्यूड जी लाइन हीअ पई थी गुज़रे त हिन जो कॉर्डिनेट कहिड़ो बीठो 20 and 30. 20 थियो लॉन्गिट्यूड ऐं 30 थियो लेटिट्यूड. इहा सिंपल कहाणी आहे लॉन्गिट्यूड ऐं लेटिट्यूड जी. इन फार्मूला ते इन ट्रिक ते इन ईअं सम्झो त बुनियाद ते हर जॻह ते लॉन्गिट्यूड ऐं लेटिट्यूड जा जेके नंबर्स आहिनि उहे डिफाइन थींदा आहिनि या उहे तय थींदा आहिनि. जिथे बि इहे ॿ लाइन लॉन्गिट्यूड जी ऐं लेटिट्यूड जी हिक ॿिए खे क्रॉस कंदियूं आहिनि उहे कॉर्डिनेट्स ठहंदा आहिनि जिथे उहे क्रॉस कनि. मिसाल हिते मां पॉइंट आउट थो कयां थी इन्हनि जॻहियुनि ते इहे लाइन हिक ॿिए खे क्रॉस कनि. उन सां अंदाज़ो थींदो आहे त धरती जे कहिड़े हिसे ते उहो इलाइक़ो आहे ऐं उन ते कीअं एक्सेस करे सघे. सो हाणे पाण पहिरीं हाणे पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन जे तरफ़ अचूं था. हाणे अॼोकी जेका पंहिंजी जेको पंहिंजो क्लास आहे या जेको पंहिंजो सेशन आहे उहो सिंध जी तारीख़ जे हवाले सां आहे. हाणे जेका सिंध जी तारीख़ आहे उहो हिकिड़ो इंतिहाई पेचीदा ऐं तमामु घणो वॾो बहस आहे या वॾो टॉपिक आहे. उनखे इहो मुमकिन ई न आहे त 45 मिंटनि में या कलाक जे हिकिड़े सेशन में कवर करे सघो. पर असां कोशिशि कयूं था त उनखे अहिड़े अंदाज़ सां पढ़ूं या उनखे बहस हेठां आणियूं त जीअं असांजा थोरा आइडियाज़ क्लियर थी वञनि ऐं असांखे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जे बुनियाद ते असांखे ख़बर पइजी सघे त शुरू खां वठी करे हेठि ताईं जेका तारीख़ रही आहे उन में छा वियो वापरियो आहे. त मूं कोशिशि कई आहे त उनखे उन तरीक़े सां पेश कयां त जीअं तव्हां क्रोनोलॉजिकली इहो ॾिसी सघो, तरतीब वार इहो ॾिसी सघो, अंदाज़ो लॻाए सघो त कहिड़ी सदी में कहिड़ो हुकमरान रहियो आहे ऐं हिकिड़ी मखसूस तरतीब सां
सिंध में कड़ियों जो तब्दील इंद रह उनके निज़ाम में सभी का पे असो अचूं था स्टोन एज शुरुआत जो थे थी वहाँ स्टोन एज की थे थी सिंध में हाँ तो हूं जो अस जोलॉजिकल हिस्ट्री सिंध की ऊँ लखे साल किरोड़े साल पुरानी फॉर एग्जाम्पल इन जो मिसाल दूँ तक कारूंझर जो तो कारूंझर तकरीबन 3.5 अरब या 4 अरब साल पुरानो जबल है दुनिया के कदीम तरीन जबलन में शुमार थे तो पर जाहिर है यो जोलॉजिकल एस्पेक्ट है उन्हें अस को वासी अस जोग्राफिकली असंदी इंसानी तारीख ऐसी इंसान जो इतने कई है मतलब उनकी इर्तका थी है उनको इतने सफर किया कड़े तरीके से तारीखी तौर से कड़ा दौर है सो पे पे दौर अचे तो उनकी बहस हेटा आंदो वे तो वह स्टोन एज है स्टोन एज के टिन दौर में तकसीम किया वे एक है अर्ली स्टोन एज यो 10 लख-1 लख साल तीन अचे तो ये वो जमानो है जदा इंसान मौजूदा इंसान वाली शिकल भी न वरती हुई बो जो दौर है वह है मिडल स्टोन एज वो 10,000-40,000 साल के विच में अचे तो अच्छा यो वो जमानो अथ जै जमाने में जियोलॉजिकली सिंध जहा काफी सारा इलाका समुंड हेट हुआ इवन उन निशान अज भी मिलन थी काफी सारा तुम सिंध के पहाड़ी इलाक में तीन उत कोरन में या उन पास से तक अड़ा निशान मिलना या अड़ा फॉसिल्स मिलना जैमें अंदाज लगे सोता तो इतने कें जमाने में समुंड हुआ अच्छा लास्ट जो स्टोन एज है यो 40,000 साल 10,000 साल के विचवारो दौर है खीरथर माउंटेन्स कारूंझर रोहड़ी कोडी वाला ये जबल इन जबल में जो पत्थर के दौर में मूल रहा हुआ मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज कहता हुआ अच्छा यो वो दौर अथ जद लास्ट जो आइस एज एंड थो इन वही अहमियत है छो तो आइस एज एज हु लास्ट वो एंड थो उन्हें एग्रीकल्चर के तरफ मानू बध्या जद लास्ट जो आइस एज हो दुनिया में ओवरऑल टेम्परेचर लो हु एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी जगह हालतू मुयसर न हुई इंसान के मणन के दरिया हुआ उन वे पैमाने से जो न वहंदा हुआ जदा यो आइस एज खत्म थो लास्ट आइस एज खत्म थो तकरीबन 11,700 साल पे खत्म थो उन्हें पूरी दुनिया में तुसंदो तो जी एग्रीकल्चर की शुरुआत थी जहाँ इंसान की सिविलाइजेशन मुख्तलिफ शिकल में मिस्र में मेसोपोटेमिया में या चाइना में जो येलो रिवर के किनारे थे या सिंध में इतने पा वट इंडस वैली सिविलाइजेशन कदीम शुरुआती जो दौर आता का ही उन इन दौर का कोई स्टार्ट थो सो यो स्टोन एज जो तारुफ कराण हो तो जी खबर पे सके तो स्टोन एज के जमाने में अस सिंध में कड़ी सूरत हाल बीठल हुई थे अच्छा उन्हें जो जमानो अचे तो उनके वे तो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड यो वो जमानो है जो इंडस सिविलाइजेशन अना पूरी तरह से स्टार्ट न थी हुई उनका अगवारो जमानो है उनमें पर्यों जो जमानो अचे तो वो 10,000 कबल मसीह का वी कर 7,000 कबल मसीह वो जमानो है इन्हीं में आमरी कोट डीजी में अड़ा निशान मिलन था अड़ा आसार मिलन था तो इतने मानन पेंजे पान के डेवलप करन शुरू करे छो इत पुरानी कदीम आबादी वस्तियों या नड़ा गोठ मौजूद हुआ जिसे मुख्तलिफ टूल्स मुख्तलिफ शूं मानन ठाण शुरू क्यों मानन उसरण शुरू किया उनकी एवोल्यूशन शुरू थी अच्छा उन्हें अर्ली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एरा उनमें टे दिना बया भी आर्कियोलॉजिकली थी सकन था मकाम थी सकता जगह थी सकन थी जिथे इंसान जो एवोल्यूशन जो प्रोसेस हलंदड़ हुए सोशली पर आमरी कोट डीजे मेहरगढ़ मेहरगढ़ बलोचिस्तान की साइड थी सिबी के भर में तो उते अर्ली एग्रीकल्चरल यो एरा है जिथे शुरुआती तौर से आहिस्ता आहिस्ता मान एग्रीकल्चर की तरफ या जराए की तरफ वन शुरू किया एग्रीकल्चर जो तुझाई हल तमाम वो किरदार है दुनिया जो जी भी सिविलाइजेशन उनके कायम कर एग्रीकल्चर का अग में मू मुख्तलिफ कबील में रहा हुआ शिकारियन तौर रहा हुआ शिकार कंदा हुआ या मच्छू पकड़ींदा हुआ उन्होंने वट फूड सिक्योरिटी जो वो मामलो जैसी तीन इंसान जो फूड सिक्योरिटी मामलो हों सही नमूने से का भी सिविलाइजेशन गड़ियल तौर पर नो
जो वधाए सके या आबाद करे सके। जद एग्रीकल्चर शुरू थो मानन वट फूड है जो सरप्लस में अचान शुरू थो मान गड रह शुरू करोठ आबाद थे नंढा टाउन शहर आबाद थे उन्हें सिविलाइजेशन जुड़ो सिंध में भी सागे नमूने से इो वो जमानो आ 7000 कबल मसीह का वही कर 5500 कबल मसीह के विचवारों को जमानो हो इन्हें दौर का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए समझो बिज छटजन शुरू थे इन जमाने में असि धरती से सिंध से इंडस वैली जी है पुरानी कदीम तहजीब आज उनकी शुरुआत थे आसार जो जाहिर थे जाहिर का भी सिविलाइजेशन है वह ओवरनाइट न जन्म वी उन्हें लिए पैं हालत जन्म वन सिविलाइजेशन के लिए वो माहौल जुड़ों उन्हें का सिविलाइजेशन दुनिया में उभरी कर सामूँ सागे नमूने से असा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन उन्हें जो दौर भी इन इन हालत के मतलब इन हालत में गुजरी कर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दौर आयो उन असट सिविलाइजेशन तरक्की कई। अच्छा हाँ जो हिस्टोरिकली असूँ तो हूँ तो इलाही सार तरीक से असो सिंध की तारीख आ उनके पढ़ने के लिए समझने के लिए मुख्तलिफ दौर में विराय सकता मां इतने आसानी के लिए टिन एराज में इनके विरहण की कोशिश कई है एक एंशंट एरा है कदीम एरा है जो मुस्लिम एरा है टों वरी मॉडर्न एरा है इन टिन एराज में मूँ कोशिश कई है तो अस समझने की कोशिश क्यों सिंध जो जो तारीखी सफर है उनके हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन दुनिया में जो टे का चार कदीम तरीन सिविलाइजेशन्स उन्होंने में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शुमार थे तो वह कड़ी मन मिसाल तौर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन बी मेसोपोटेमिया वाली है इराक के जो दजला फरा के कंधन से जो सिविलाइजेशन उभरी है जैसे जन्म वरतो बी मिसर की सिविलाइजेशन है जो नील दरिया से जो उनको ये समझो तो उसरी है उन तरक्की कई बो चाइनीज सिविलाइजेशन है जो येलो जो रिवर सजी वो उन्हें उन जो उभार आयो उनखा अलावा अमेरिकन यानी कि साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन जो सिविलाइजेशन्स उनमें माया जो एग्जाम्पल दिनों वे तो कुछ उन जमाने में उत सिविलाइजेशन्स हुई जी थोड़े घणे फर्क से उतरे उसरू या उत उभर। अच्छा हाँ ये जो सिविलाइजेशन्स उन्होंने एक बे कें तरीके से कॉन्टेक्ट रो है यो अजकल साबित थे तो मिसाल तौर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वे तो उन जमाने में मेसोपोटेमिया वारन सा मिस्र वारन सा ट्रेड के थ्रू उन विच में राबतो हो मुख्तलिफ शे वणज व्यापार कंदा हुआ एक्सचेंज कंदा हुआ कुछ शे के ींदा हुआ यो भी वे तो मेसोपोटेमिया में या इराक में उत सिविलाइजेशन हुई तो इतने जहा मू वही ट्रेड कंदा हुआ काफ़ी सारा अड़ा निशान मिलन था उन्होंने विच में जो ट्रेड थी हुई उत कुछ टेबलेट्स भी अड़ा मिले पुराना जी पत्थर जिनते मतलब मुख्तलिफ निशान उकरे करे उनते ठाहे करे एक बे से शेयर कंदा हुआ सिंध में जो ट्रेड थी रही हुई वह मेसोपोटेमिया सा यो मतलब इराक से उन बारे में चो वो तो समुद्र के थ्रू थी हुई जाहिर मिसाल तौर जो मिस्र की असा गाल तो यो ऐन मुमकिन है तो उन जमाने में ट्रेड थन्दड़ हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से वह भी शायद समुद्र के जरिए थन्दड़ हो। अच्छा हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दौर है ना वे चार दौर दसा था वन पे जो दौर है वो 2300 का वठी करे 2600 कबल मसीह जो है इन्हें जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन उभरण शुरू कर शुरुआती यो जमानो है जिनमें अस मोहन जे दड़े जो मिसाल मिले तो हड़प्पा जो मिसाल मिले तो ढोलावीरा जो मिसाल मिले तो इलाही सारा बिहार अड़ा मकाम अड़ी जायू आज जिते जड महकन तहकीक कई है आर्कियोलॉजी के माहिर जरा तहकीक कई है उन्होंने अंदाजो लगाया है तो उन इलाकन में उन दौर में ये सिविलाइजेशन उभरी रही इंडस वैली सिविलाइजेशन उभरी रही हुई उन इलाकन में बो जो दौर है वह मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड यो 2600 कबल मसीह का वही करे
हाँ इतने मुझे दिनों है बीसीई बीसी के मुझे समझाने लगता है कि बुधायन था बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा इन्हें के पान कबल मसीह चाहूँ था कॉमन एरा मना जो को पान हजरत ईसा का पोजो जो को जमाना उनकी डेथ का पोजो जो को जमाना हुआ वो पान तस्वर कंधा है आई कबल मसीह यानी हजरत ईसा का अग में आई वो जमाना हुआ है जिन जमाने में ये समझो तो दुनिया के बेन इलाकन में कुछ सिविलाइजेशन हुई बाकी बया ये समझो तो डार्क एजेस में रहंदड़ वो इलाका हुआ चंद सिविलाइजेशन के छे यो जो मैच्योर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो दौर इतने अस सिंध में मोहनजोदड़े जो मिसाल अड़ा मिसाल इतने तमाम वड़ा शहर आबाद हुआ टे चार अड़ी इन्वेंशन असि सिविलाइजेशन जो जी शेयर थे घुर्जन उनमें जी मिसाल तौर पक्की सिर या चई थी वे सभी का पैरी अस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में जो मिसाल मिले तो पक्न सिर जगह के ठाण जोड़ने की जो शुरुआत थी असि सिविलाइजेशन का थी बो फीथे जो जो इस्तेमाल है अग में फीथे जो इस्तेमाल किथे न होंद हो इतने थियण शुरू थो उन अलावा जी बोली के लिखण की शुरुआत थी है उनके बारे में भी तो वे तो बेन जगह से भी शुरुआत थी चुकी हुई पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में असा वट ये पुराने जमाने का शुरुआत ये खड़ी चई सकते तो वह असा का इतने थी ये वो इन्वेंशन्स हुई उन जमाने में उन इन्वेंशन्स के बुनियाद से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन तमाम वही दौर में तरक्की कई जो एरिया की गाल केतरे एरिया में वह फैलियल हुई वो एक तमाम वो एरिया हो उनमें ये समझो तो लखे स्क्वायर किलोमीटर्स में वो एरिया हो जिनमें फैलियल हुई उन जो टों दौर अचे तो वो अचे तो लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड यो 1900 कबल मसीह का वी 1300 कबल मसीह वो जमानो आ यो वो जमानो आ जैमें ये समझो तो आर्या अस अचण वा हुआ आया न हुआ आर्या जी जगह थ्योरी है खैर वह कंट्रोवर्शियल उनते बलाय सके तो आर्या इतने आया हुआ या न आया हुआ अड़ी अलग कहानी है पर जो अस एक्सेप्टेड जो वर्जन है नैरेटिव आयो है आर्या इतने आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगमें दरावड़ हुआ उन्होंने अची कर आर्या अटैक किया लास्ट जो पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पीरियड है वो है 1300 कबल मसीह का 300 कबल मसीह जो दौर इो वो जमानो है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मुख्तलिफ सबन के करते थी हुई असि जो शहर आबाद हुआ मोहनजोदड़ो आ या हड़प्पा है भोलावीर है या काफी सारा जो शहर है ना उ बर्बाद थे शुरू थी गया काफी सारा सबन के करे उनमें यो वे तो सके तो उन दौर में माहौलियाती तब्दीलियों आई हुजन के यो चवन था शायद जंगू थी हुजन या बिहार अड़ा के मामला थे हुजन जैसे कर बहरहाल जी सबब हुजन 1300 कबल मसीह का 300 कबल मसीह के विच में इंडस वैली सिविलाइजेशन ये समझो तो बिल्कुल पोते हटन शुरू कर इतने शहर उ वीरान थे शुरू थे इो ही वो दौर है जैसे बारे में वे तो आर्या अस मुल्क में असान वतन में उन दौर में आया हाँ इन मैप के जरिए तक दिखा तो चाहें हा है अर्ली फेज 3300 कबल मसीह का वी 2600 कबल मसीह जो दौर इनमें तीस था शुरुआती जो जमानो है उनमें आमरी आ कोटडीजी आ मेहरगढ़ हाँ ये या नाल है इन या ढोलावीरा है इन जगह से या हड़प्पा है इन जगह से मुख्तलिफ इंसानी आबादियन उसरण शुरू कर वधन शुरू कर यो अर्ली फेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन उन्हें इन मैप के जरिए तीस जो मैच्योर फेज है उन मैच्योर फेज में सजी सिविलाइजेशन जो जो मरकज या महवर रो मोहनजोदड़ो रो बया जी भी शहर हुआ उड़ी चाहिए तो या उन डिपेंडेंट हुआ या वो शहर मोहनजोदड़ो के मरकज समझना हुआ जी भी शहर मिलिया उन्हें सभी का सुठे तरीके से ठहल शहर नजर अचे तो वह मोहनजोदड़ो है उन्होंने दीवारों उनकी जो प्लैनिंग है जी स्ट्रीट्स वो सुठे नमूने से ठहल जो ग्रेट बाक्स चो तो वे या ये चो वो हुसल खानो जो ओपन पब्लिक होंद हुए वो ठहल है या
खूह जी हर घर वट ठहल हूँ वा या गोदाम ठहल हूँ वा ये समूरी शी कर अंदाजो लगे सकूँ था मोहन जो दड़ो इन बिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी शहर का एडवांस्ड उन दौर में हुए सभी का वही आबादी वो शहर हुआ हाँ मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कुछ चवन था पंजहत्तर हजार का वही कर एक लख ताई की आबादी हुई मोहन जे दड़े की कुछ चवन था उन्हें खां वधिक आबादी हुई उन दौर में मोहन जे दड़े की हाँ तुम सोचो तो एडी वही आबादी उन दौर में कें शहर में आबाद हो जे तो हु ट्रेड में या बिन मामलात में केतरो उन दौर में अग्या होंद केतरा सारा मानू डिपेंड कंदा होंदा मिसाल अस यूनियन काउंसिल जो हेडक्वार्टर ही होंद उन केतरा सौ गोट डिपेंड कन था या तेलके जो को हेडक्वार्टर होंद उनकी आबादी खड़ी चाहिए पंजा हजार या लख हो तुम सोचो तो उन केतरू सारे यूनियन काउंसिल्स केतरा सारा गोठ उन डिपेंड कन था सागे नमूने से अस मोहन जे दड़े के उन कॉन्टेक्स में ऐसू त इन मेच्योर जो दौर है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उन दौर में केतरा सारा शहर केतर सारे उन दौर जो सिविलाइजेशंस होंदू उन डिपेंडेंसी होंगी मोहन जे दड़े से या उन ट्रेड के थ्रू या बिन तरीक से पोलिटिकली या डिप्लोमेटिकली उन दौर में मोहन जे दड़े से उनको वास्तो होंद पर बदकिस्मती से मोहन जे दड़े की उन नमूने अजा ती तहकीक नी सी इन बारे में चवन था काफ़ी सारा अजा लेयर्स जैसे अजा खोटाई नी सी है काफ़ी सारो इलाको है मोहन जे दड़े जो बारे में चाहिए तो वे उनकी मुकमल खोटाई नी सी हाँ मुझे पे इला सारा सबब पर खोटाई न थे या तहकीक के पूरे न थे असानी तहजीब है उनके पूरे तरीके से या मुकमल अंदाज से दुनिया के आरोप पेश ही न कर असट ये समझो तो थोड़ी मालूमत है या महदूद मालूमत है जो अस मौजूद है उन मालूमत के बुनियाद से असं बुधायूं था या अस दुनिया से शेयर क्यों था सिविलाइजेशन उन जमाने में अड़ी हुई। अच्छा ये लास्ट पीरियड है हाँ इो पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो जद सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये समझो तो पोते वन शुरू कर गंगा की तरफ जमुना की तरफ खास तौर पर नॉर्थ इंडिया की तरफ आबादी मूव थे शुरू थी इन ही जमाने में वो सल्तनतू नॉर्थ इंडिया में या वो बादशाहतू नॉर्थ इंडिया में कायम थी छो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतने मान के रहने के लिए माहौल हो वो शायद साजगार न रो उन मान इतना लड़ी करे या इतना वही करे बेन इलाक में वेहन शुरू कर यो एन मुमकिन है तो मोहन जे दड़े जा या हड़प्पा जा या चाहू जे दड़े जा मानू थी सके तो या आमरी जा या कोडी जी जा मानू इतना वही करे उन शहर में आबाद थे हुजन यो मुमकिन है उन्हें जे करे यो थियो तो असा वट जो परसेप्शन अचे थी तो जो जेका भी सिविलाइजेशन है वह ये समझो तो नॉर्थ इंडिया की है या उन्हें इलाकन जी आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या इंडिया जो ओवरऑल जो परसेप्शन है उनके बारे में बुधा तो वे तो जी भी वा वा जो वाकया थे तारीख में पुराने जमाने में वो समूरा उते थे पर हालांकि यो उनके कर जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन उन दौर में पोते पवण शुरू कर उनमें माहौलियाती सबब थी सकन था सियासी उन दौर जो सबब थी सकन था पर जो सबब हुजन उन दौर में जो फोकस है वो डाइवर्ट थी करे नॉर्थ इंडिया जा जी शहर हैं उन्हें जी तरफ थी वो हाँ वैदिक पीरियड के बारे में वेद है वैदिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1500 बीसीई एंड एंडेड इन 500 बीसीई यानी 1500 कबल मसीह का वठी करे 500 कबल मसीह जो जमानो है 1000 साल वो जमानो है इनके वैदिक पीरियड चाहिए वेदन जो जमानो इनमें ऋग्वेद सामवेद बे वेद उनमें आंदा हुआ यो चयो तो वे तो सिंध वॉज रूल्ड बाय लोकल रूलर्स एंड किंग्स इन दैट एरा यो चयो तो उन दौर में सिंध जहाँ मकामी रूलर्स हुए सिंध से हुकूमत कंदा हुआ यो चयो तो वे तो ऋग्वेदा वॉज रिटन ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर हाँ उन दिलचस्प गाल है कुछ एग्री कंदा हुंदा कुछ न कंदा हुंदा पर बहरहाल यह थ्योरी है कुछ मुहक चवन था तो ऋग्वेद है जो ऋग्वेद जो हिंदुन जो सभी का कदीम सभी का मुकदस किताब समझो तो वे वो सिंधु नदी के किनारन से वेही कर लिखो उनमें जो तारीफ थियल है इंडस रिवर की बिन सभी रिवर्स के मुकाबले में थियल है
उहा तव्हां पढ़ंदो तव्हांखे अंदाज़ो थींदो। गंगा जो ज़िक्र तव्हांखे एतिरो न मिलंदो, जमुना जो न मिलंदो, ब्रह्मपुत्रा जो न मिलंदो, तव्हांखे सिंधु नदी जो ज़िक्र मिलंदो। हाणे ज़ाहिर आहे जंहिं नदी ते जेको माण्हू वेही करे लिखे उन नदी जो ई जेको ज़िक्र कंदो, उनजी तारीफ़ कंदो, ॿी जी करे नथो सघे। इहा हिकिड़ी उन दौर में जेका हुनजी तारीफ़ आहे। हिते मूं हिकिड़ी वर्स ॾिनी आहे, सिंधु रोड rises high above the earth, right up to the heavens above. Sindhu leads all other rivers just as a warrior king. Yani ki ekde vadi yuddha wangur, vadi vedha wangur, jeka Indus river a, wa vahndi aahe, wa agte vadhandi aahe. Rich in fine seeds is Sindhu, rich in gold, nobly fashioned in Sindhu, rich in ample wealth is Sindhu. Iho tasavvur, the Indus valley सिविलाइजेशन में इहो तस्वर हिननि अची करे ॾिनो, वेदनि जे थ्रू आर्यन अची करे ॾिनो त सिंधु दरिया मां सोन वहंदो अथव। ऐं इहा हक़ीक़त बि आहे, तव्हां यूट्यूब ते वञी करे वीडियो ॾिसी सघो था। काफ़ी हिन दौर में माण्हू सिंधु दरिया जे मुख़्तलिफ़ किनारनि ते, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते नॉर्थ पाकिस्तान में वेही करे सोन कढण जी कोशिशि कंदा आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे सिर्फ़ु सिंधु न, दुनिया में ॿिया काफ़ी सारा अहिड़ा दरिया आहिनि जिन्हनि जे पेटनि मां सोन जेको आहे मिले थो। त इंडस में, इंडस रिवर में बि इहा शइ सभिनि खां पहिरीं अची आइडेंटिफाई ऋग्वेद अची कई। ऋग्वेद अची माण्हुनि खे ॿुधायो त अदा हिन दरिया मां सोन मिलंदो अथव। ऐं माण्हुनि ज़ाहिर आहे उन दौर में सोन कढियो ॿुधो, उन खां पोइ बि निकिरंदो रहियो आहे। ऐं हींअर बि काफ़ी माण्हू ट्राए कंदा था रहनि सोन कढण जे लाइ। अच्छा, इन ई दौर में इहो ई ज़मानो हुयो त इजिप्शियन जेको एम्परर हुयो उन 810 में अटैक कयो सिंध ते। अच्छा, उन खां पोइ जो ज़मानो आहे उनखे पोस्ट वैदिक पीरियड चयो थो वञे। पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट्स बाय 500 BC, यानी कि 500 कबल मसीह खां इहो ज़मानो पोस्ट वैदिक जेको पीरियड आहे उहो शुरू थिए थो। एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड अकेमेंड पर्शियन एम्पायर कॉन्कर्ड द सिंध इन 535 BCE in the leadership of Cyrus the Great. Western side of Indus River was under the rule of Persian Empire and eastern side was under local rulers. And Cyrus je bare mein taake thoro hite budhan zaruri a. Cyrus ya Koresh chayo ko vanje inke Koresh nikdo Persian style mein unke pronoun kiyo to vanje. He duniya jo pehlo hukmran hoyo jinke king of the kings chayo hoyo, शहनशाह जो लक़ब जेको पहिरियों कंहिं बादशाह खे मिलियो उहो हिनखे मिलियो। ऐं हिन दुनिया में पहिरीं जेका माण्हू चऊं था न सल्तनत एम्पायर, एम्पायर जो तस्वर अची करे साइरस क़ाइमु कयो। हिनजी एम्पायर इंडस रिवर खां वठी करे टर्की ताईं, टर्की खां वेंदे ब्लैक सी ताईं, कैस्पियन सी ताईं, नाइल ताईं, इन समूरनि सेंट्रल एशिया जे काफ़ी इलाइक़नि ताईं इहा सॼी फहिलियल हूंदी हुई। लखे स्क्वायर किलोमीटर में इहा हुनजी सल्तनत फैलियल हुई। त साइरस उहो हुयो जंहिं पहिरियों अची करे इहो तस्वर ॾिनो ऐं बेबिलियन में अची करे यहूदियुनि खे हुन आज़ादी ॾियारी। यहूदी अॼु बि वॾे एतराम सां साइरस जो नालो खणंदा आहिनि, हालांकि हू यहूदी कोन हो, पर हुनजे बारे में इहो चयो थो वञे त बेबिलियन में जॾहिं यहूदी ग़ुलामनि वांगुरु हुते रहंदा हुआ मेसोपोटेमिया में, त उन ज़माने में साइरस अची करे जॾहिं बेबिलियन खे शिकस्त ॾिनी त उन यहूदियुनि खे आज़ादु करायो ऐं वापसि उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क वतन इज़राइल में वञण जी इजाज़त ॾिनी। तक़रीबन इन 500 कबल मसीह खां पोइ वारे ज़माने में त यहूदी अॼु बि साइरस खे तमामु एतराम सां यादि कंदा आहिनि। हालांकि उहो हिकिड़ो ज़ाहिर आहे बादशाह हुयो उन दौर जो ऐं अटैक कंदो हुओ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ते, इलाइक़नि ते। उनखे केरु सुठो चई सघनि था, उनखे केरु ख़राबु चई सघनि था, पर यहूदियुनि जी नज़र में उनखे तमामु मान हासिलु आहे। अच्छा, ग्रीक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, उन खां पोइ अलेक्ज़ेंडर जो ज़मानो अचे थो, दुनिया जो ॿियो अज़ीम बादशाह जो जंहिंखे चयो थो वञे, उन अची करे ॿी सल्तनत क़ाइमु कई पर्शियन एम्पायर खां पोइ। पर्शियन एम्पायर खे अची करे जंहिं शिकस्त ॾिनी ऐं वेंदे करे इंडस वैली ताईं जंहिं सल्तनत क़ाइमु कई अलेक्ज़ेंडर हुयो, सिकंदर आज़म जंहिंखे चयो थो वञे। अलेक्ज़ेंडर सिंध में 326 खां 325 कबल मसीह वारे ज़माने में सिंध ते अटैक कयो ऐं मतिलबु सब कॉन्टिनेंट ते अटैक कयो। ख़ैबर पास जे थ्रू आयो अफ़गानिस्तान खां ऐं हिते अची करे हुन अटैक कयो। पर जॾहिं हिते लाहौर जे वेझो पहुतो, उन्हनि इलाइक़नि ते वेझो पहुतो, त अञा वधीक हुनखे
माना मुहाड़ वट करण पो इंडियन फोर्सिस तौर जो सबकॉन्टिनेंट फोर्सिस हुई तो इन फौज हुई सफा थकी पी चय न विढ़ंदी वापस वनो घर वनो सो उन्हें थकल फौज के पान सा गड वी कर चो ठीक है ना विड़ो भले अस इतना इंडस वैली के थ्रू इतना हेठ सिंधु दरिया का थींदा अगत वापस वेंदासीं सो ही जी हेठ आयो त चवन था यो एकड़ी कहानी मशहूर है त इन्हें इलाकन में मतलब पंजाब सिंध के कें इलाके में जो सिकंदर आजम जख्मी थो बेबिलोन में वही कर फौत थो कहानी भी मशहूर है। अच्छा इतने बुधा है इतना ही वही कर जी मैं जख्मी थो तो 323 में बेबिलोन में वही कर सिकंदर आजम फौत थो छो तो इतने इंडिया में मुहिम जो न कर सको वेड़ू न विड़ी सको एतरो सफर कर आई हुई उनकी फोर्सिस हुई आर्मी हुई वह थकल हुई उन्होंने जवाब दी छोड़ो हमें असि ना वेहणो यो ही वो जमानो है जहां अलेक्जेंडर या सिकंदर आजम जी वफात थी उन्हें मौर्य जहां एम्पायर है इंडिया की वे में वही शुरुआत में वे में वही एम्पायर हुई मौर्य एम्पायर जैसे तो वे उनकी शुरुआत थी उनको एक्सपेंशन उन्हें शुरू थो जाहिर जी इनमें सबकॉन्टिनेंट में बेन इलाकन में अलेक्जेंडर जी गुजारे हुए उनके जर्नल्स उनकी सल्तनत के मुख्तलिफ टुकड़न में विराय कर उनकी हुकूमत शुरू कई जाहिर वह कमजोर थी वही सबकॉन्टिनेंट में खास तौर से जो उन दौर जो वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट हो जैसे पाकिस्तान जहाँ इलाका सिंध है बलोचिस्तान पंजाब या केपीके ये शामिल हुआ तो उतें मकामी रूलर्स ताकत वठन शुरू कई जरा मौर्य एम्पायर जरा ये समझो तो ताकत वरती उन इलाकन के वरी उन फतह कर। अच्छा मौर्य एम्पायर कंकर्ड सिंध इन 322 to 320 BCE यानी कि 322 का 320 कबल मसीह के जमाने में मौर्य एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य हो जो एम्पायर के कायम किया उन्हें सिंध की फतह किया एंड मौर्यन रूल लास्टेड अराउंड 180 BCE 180 कबल मसीह तीन वो उन्होंने रूल आ सल्तनत बादशाही सिंध से कायम रही। बुद्धिज्म स्प्रेड इन सिंध ड्यूरिंग दिस एरा वेन अशोका द ग्रेट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अशोका जहां पा बुद्धिस्ट थो मोंक थो या भक्षु थो उन दौर में तो अशोका पूरे उन दौर के हिंदुस्तान इंडिया के बुद्धिज्म के तरफ मायल करने की कोशिश कई ये समझो तो उन दौर जो बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन थी वो पहरियों दौर हो जदा बुद्धिज्म मतलब ऑफिशियली सिंध में इंट्रोड्यूस थो इन जमाने का काफी सारा एरा आया जैमें बुद्धिज्म जो जमानो रो सिंध में इवन एकड़े दौर में तो बिल्कुल स्टेट रिलीजन भी रो सिंध में बुद्धिज्म पर यो पहरियों इंट्रोडक्शन हो यो नोट करन घुर्जे तो बुद्धिज्म केर तरह सवाल कर सके तो दा जो बुद्ध धर्म आ सभी का पहरी कदा इंट्रोड्यूस थो सिंध में यो मौर्य एम्पायर के दौर में। अच्छा उन्हीं का जो जमानो अचे तो वो अचे तो ग्रीको बैक्ट्रियन कॉन्क्वेस्ट एंड रूल ओवर सिंध After the disintegration of Maurya Empire, Greco-Bactrian rulers conquered Sindh in 180 BC. 180 BC, मतलब अने ही वो यूनानी हुआ जिके रह हल, जिके रह जी या वो इंडियन वो जिके मकामी रूलर्स हुआ उन्हन सा मिली करे फिर मानन सा मिली करे उन्हन एक लो मिक्सचर ठायो अने उन्हन उन्हन सा गर्जी करे एक लो ये समझो तो मुख्तलिफ इलाकन में पंहिंजो रूल कायम कयो उन्हन पूरी हिकड़ी एम्पायर खड़ी कई उन जमाने में पर उनमें जी के लोकल रूलर्स हुआ या जी के लोकल वॉरियर्स हुआ उन्हें जो बड़ो रोल हो उन इनके यूनानी बाख्तरी चयो तो वे यूनानी बाख्तरी हाँ उनमें यूनानी भी हुआ यूनानी नसुल जहा मू हुआ सेंट्रल एशियन जो मू हुआ ईस्टर्न यूरोप जो मू हुआ उनसा गड इंडियंस हुआ मतलब साउथ इंडिया जहा जो मू हुआ उनमें इतना जहाँ सिंध जहा मू हूँ बेन मुख्तलि इलाकन जहा मू हा उन सभी गची कर सल्तनत कायम कई उन्हें जो रूल किया सिंध से तकरीबन 70 BCE तक यानी कि 70 कबल मसीह तक उन्हें जो सिंध से रूल रो हुकुमरानी रही। अच्छा इन्हें का अच्छे थी इंडो सिथियन एम्पायर
Scythian rulers conquered Sindh in 70 BC. Scythian rule in Indus in Sindh ended in 45 AD. अच्छा ही ये कि Scythian हुआ ये कि सत्य चाहिए था वजन या सत्य चाहिए था वजन मुख्तलिफ तरीकों से उच्चारित हो वजन इन्हन जी जगह सल्तनत हुई यहाँ सिंध ते सिंध जी बेन पसकिरदाई वार अनलाइकन ते कायम हुई ये बेसिकली पान ईरानी हुआ मालवंद मान हुआ नॉर्मेटिक जी के पान चौंधाई हुए पीपल जी के हुआ एडा मान हुआ जी न जी के लाडाओ हुंदा है उन जमाने जा वो लाडाओ मान हुआ पर उन्हन गजी करे एकड़ी वरी सल्तनत कायम कई उनमें सिंध ईस्टर्न जो इंडिया है मौजूदा ईस्टर्न इंडिया वो गुजरात जा कुछ इलाका महाराष्ट्र पंजाब जा इलाका पाकिस्तान जा काफी सारा इलाका कुछ ईरान अफगानिस्तान जा इलाका शामिल हुआ उन सभी से उन्होंने सल्तनत कायम कई वहाँ 45 एडी तक हली यानी कि 70 बीसी का वी कर 45 एडी तक पार्थियन एम्पायर Parthian Empire was an Iranian empire. It conquered Sindh in 46 AD. Parthian rule ended in 80 AD in Sindh, but Parthian rule continued in southern Sindh till 135 AD, and then Scythians took control of lower Sindh for 10 years, and again Scythian established their rule in lower Sindh, and they ruled. Till 175 and yo zaman ho jo parthian scythian and wa wa bhai irani je ke hamla avar paan me vidanda randa ho mukhtalif ilaqan te cho to un daur me yo zaman ho jo na sindh me maqami hukmaran era mazboot na hoya to bahariya achi kare hier bahariya hi hunda hai par baral bahariya achi kare paan me vidanda hoya sate ji hukmarani je lai ite ji जो मतलब रूल के लिए अथॉरिटी के लिए अच्छी विढ़ा हुआ नुकसान अच्छी सिंध के मानी पोचाइंदा हुआ बिहार इंदौर जो इलाका हुआ उनमें पंजाब शामिल है केपीके जो इलाका भी शामिल बलोचिस्तान जो इलाका शामिल उन सभी इलाकों से बहर अची कर विढ़ा हुआ वो चवंद हो तो उनसे हुक्मरानी क्या वरी बो जो उनका सगारो हों तो उनका वो हुक्मरानी खसन की कोशिश कर अच्छा उन जमानो अचे तो वो अचे तो कुशन एम्पायर कुशन एम्पायर कंकर्ड अपर सिंध इन 65 एडी कुशन एम्पायर री इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन सिंध बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड इन दिस एरा रूल ऑफ कुशन एम्पायर एंडेड इन अपर सिंध इन 175 एडी कुशन एम्पायर जका हुई वो उन दौर में बुद्धिज्म जो अना वधिक तरक्की कई है उनमें वाधारो आयो अच्छा उन जमानो अचे तो जो लोकल चलो बाहर को हमला वर्ज न हो तो इतने लोकल उन दौर जो खी अच्छा वडेरा नवाब ए पुराना वॉरियर्स या पुराने हुकूमत से लागापिल कहदेदार मानू हुआ उन मुख्तलिफ इलाक में नंढी नंढी बादशाहत प्रिंसिपलिटीज कायम कर या नवाबियों कायम कर गाडो पे हलो पर हुआ इंडिपेंडेंट बाहर के हुकुमरान जहा ताबे न हो वे अरसे तुम जमानो जो हलो 175 AD का वठी करे 283 ताई यानी कि 175 का वठी करे 283 ताई वो जो को रूल आ वो हलियो उन मकामी हुक्मरानन जो वो मकामी हुक्मरान मुख्तलिफ नंढन इलाकन ते दौर जा जके नंढा नंढा शहर हुआ उन्हन ते वे हुक्मरानी कंदा हुआ पर आजाद हुआ या सुठी गल आजाद हुआ अच्छा उन्हीं का पो दौर अचे तो सासानी एम्पायर जो सासानी जो एम्पायर है वह ईरानी ओरिजन रखंद हुई ईरान से उनको वास्तो हो उन एम्पायर जो जो अच्छा ही वो ही जमानो आ जन सासानी एम्पायर पे अरूज से हुई उन्हें जरा इस्लाम इंट्रोड्यूस थो उन्हें अची कर सासानी एम्पायर जो अची कर तख्तो ऊंधो ईरान के फतह कियो यो अलग बहस आ पर सासानी जो पीरियड है इतने वो शुरू थे तो सिंध में 283 एडी का यो 499 एडी तक हलो यानी कि 283 ईस्वी का वी कर 499 ईस्वी तीन यो उन्हन जो जमानो है इंदौर तक उन्हें हुक्मरानी की अच्छा वीक सासानियन अथॉरिटी पेव वेज टू इनकरेज लोकल पीपल टू इस्टेब्लिश प्रिंसिपलिटीज अगेन अच्छा जरा सासानी जो हुक्मरान हुआ
उन्हें कमजोरी थी इतने उन्होंने रूल जरा मजबूत न रो एट द एंड ऑफ देयर रूल तो इतने मकामी हुक्मरान हुआ या मकामी ताकतवर मानू हुआ उन्होंने हुक्मरानी उन दौर जो नवाबियों जी है कायम करना शुरू क्यों इन्हें थ्रू ही मकामी जी हुक्मरान हैं अग्या हली करे ताकतवर थे सिंध से पैंजी इंडिजिनियस या कौमी दौर हुकूमत कायम कई। राय डायनेस्टी ही इंतहाई यादगार दौर हो सिंध जो इन दौर में जो सिंध जो सरहद हुई तमाम वे यानी कि इलाके थे फैलियल हुई इवन जो मौजूदा पाकिस्तान आ उन समझो तो डबल जो एरिया हिंसर पाकिस्तान जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 8 लख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर आ पर उन दौर में सासानी एम्पायर अंदाजो लगाया तो वे तो तमाम वे एरिया से फैलियल हुई। अच्छा रूल ऑफ राय डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड ऑफ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट रूल ऑफ राय डायनेस्टी वॉज स्टार्ट ऑफ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट लोकल रूल इन सिंध यानी कि मकामी हुकूमत जो मकामी धरती धड़न जो रूल है उन्हें जी शुरुआत हुई वे जमाने तक धरती धड़ी पैंजी धरती से हुक्मरान न हुआ सिंध जहा मू सिंध उन दौर में हुक्मरान न हुआ पर राय डायनेस्टी के थ्रू सिंध के मकामी मानन वहा मकामी रूल आ उनकी शुरुआत कई वे जमाने का राय डायनेस्टी स्टार्टेड रूल फ्रॉम 489 AD 489 ईस्वी का वी कर राय डायनेस्टी या राय घराने पान सिंधी में चवंदा आहियूं राय घराने शुरुआत कई पंहिंजी हुकमरानी सिंध रीगेन्ड इट्स लॉस्ट टेरिटरीज इन दिस रूल जेकी मुख्तलिफ़ जंगन में मुख्तलिफ़ सबबनि जे करे सिंध जा इलाइक़ा पासे वारा जेके हुकमरान पासे वारियूं बादशाहियतूं फॿाए वठंदा हुआ राय घराने अची करे उहे वापसि वरिता इलाइक़ा पुराणा कदीम जेके सिंध जा इलाइक़ा हुआ उन टेरिटरीज हुयूं उन्हनि खे रीगेन कयो वापसि हासिल कयो इहा हिकिड़ी वॾी ज़माने जी सिंध जे लाइ वॾी कामयाबी हुई। अच्छा टोटल एरिया ऑफ सिंध अंडर राय डायनेस्टी वॉज 15,53,993 स्क्वायर किलोमीटर्स ये समझो तो 15.5 लख स्क्वायर किलोमीटर से सिंध आधारियल हुई राय डायनेस्टी के तौर में तो अंदाजो लगे सो तो केडो वो इलाको हुई उन इलाके में समूरी मौजूदा समूरी सिंध गुजरात जा काफी सारा इलाका इंडियन जो गुजरात आ इंडियन राजस्थान जा काफी सारा इलाका साउथर्न पंजाब जा काफी सारा इलाका बलूचिस्तान जा काफी सारा इलाका कुछ अफगानिस्तान जा इलाका कुछ ईरान जा इलाका ये समूरा सिंध में शामिल हुआ उन्हें समूरे इलाके से राय घराणो हुक्मरान हो सिंध की कौमी हुक्मरानी हुई उन जमाने में। बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड इन दिस एरा जो बुद्धिज्म जो सिंध जो ये खड़ी चाहिए स्टेट रिलीजन जो थो राय घराने के दौर में थो सिंध में तमाम वे पैमाने से जो बुद्धिस्ट हुआ बुद्ध धर्म से लागापल मू हुआ उन जमाने में ये सिंध में रहा हुआ ये खड़ी चाहिए तो ये समझो तो यो गलत नहीं उन दौर में सिंध में अक्सरती आबादी शायद बुद्ध धर्म से वास्तो रखने मानन की होंगी। अच्छा रूल ऑफ राय डायनेस्टी एंडेड इन 632 AD 632 ईस्वी में राय घराने जी हुक्मरानी जो इख्तिताम थियो। अच्छा इन्हीं का पहुंचे थी ब्राह्मण डायनेस्टी उनकी शुरुआत थी, राजा चच का ब्राह्मण डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूल ऑफ राजा चच इन 632 यानी के 632 AD 632 ईस्वी का यो जमानो शुरू थे तो राय जो ब्राह्मण डायनेस्टी जो राजा चच के बारे में वे तो कश्मीरी हिंदू हो जे इतने अची करे सिंध में अची करे राय घराने वे जो कम कर शुरू कर उनकी तमाम घनी अहमियत थी उन ईमानदारी के करे उनके रोल के करे उन्हें जमानो अड़ो आयो जो मुख्तलिफ रैंक्स क्रॉस कंदो सिंध जो हुक्मरान थियो यो भी चाहिए तो वे तो राय घराने की जी रानी हुई उन राजा चच की शादी थी उनखा जो उनको रूल हुए उनके लेजिटिमेसी मिली या उनके कानूनी जो प्रोटेक्शन दौर में मिली वही राय घराने की शहजादी से शादी कई
हकदार आए सिंध हुक्मरान कर जो या बहरहाल यहां कहानी आ उन ते केर को आए तो सवाल उठा सके तो सवाल करे सके तो पर बहरहाल यह कहानी मशहूर है। अच्छा राजा चच एंड हिज सन्स रूल्ड सिंध फॉर अबाउट अ सेंचुरी। तो राजा चच हुंजा जेके बिया पुट हुआ उन्हें हुक्मरानी कई सिंध। अच्छा रूल ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी एंडेड आफ्टर द अरब कॉन्क्वेस्ट इन 712 यानी कि 712 में जहां अरबन ते हमलो कयो हिते अटैक कयो उन्हें खां पो या जका ब्राह्मण जका डायनेस्टी आ उन जो हुक्मरानी हिते खत्म थी उन जो एंड थी। आने चाहूं था अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध वाज कॉन्क्वर्ड बाय अरब्स इन 712 यानी कि 712 में अरबन सिंध के अची करे फतह कयो। इन 712 व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इनवाइटेड सिंध विथ 8,000 कैवलरी वाइल आल्सो रिसीविंग रीइंफोर्समेंट्स अल-हज्जाज इब्न यूसुफ इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू स्पेयर एनीवन इन देबल या बंभो। देबल ते नन अची करे नालो रखियो उनजो असल नालो बंभो हो या थी सके तो कोई नालो हो जे पर देबल एटलीस्ट नालो अची करे अरबन ही रखियो। अच्छा द हिस्टोरियंस द हिस्टोरियन अल बलादूरी स्टेटेड दैट आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ देबल कासिम केप्ट स्लॉटरिंग इट्स इनहेबिटेंट्स फॉर 3 days। उन जमाने में यह शय थी हुई जो हुक्मरान हों या जो अटैक करण वो हों जो हमलावर हों वो पैं दाबो बिहारण के लिए दहशत बिहारण के लिए मुख्तलिफ शहर से जो वो अटैक कह हो तो उत कतलेआम कह या मन के मारी हो यो उन दौर में भी हो उन जमाने में भी जमाने में भी यह शी रही तो जो हमलावर हों अची कर मकामी मान के मारी उनके कुसंद उनके कोहंद ये उन दौर जो हकीकतू हैं जिनका केर इनकार नो कर नहीं उनके इनकार करण घुर्ज अखलाक में। अच्छा एट रोर या अरोड 6,000 फाइटिंग मेन वर मैस्कर्ड विथ देयर फैमिलीज एंड स्लेव्ड। द मसाकर एट ब्राह्मण आबाद वाज वेरियस अकाउंट्स ऑफ 6,000 टू 26,000 इनहेबिटेंट्स स्लॉटर्ड। द अरोड जो शहर हुए उनके बारे में चयो तो वे उनमें हजारों की तादाद में जो सिपाही हुआ वे कत्ल किया गया उनकी फैमिलीज के गुलाम बनाया। कुछ चवन था 6,000 कुछ चवन था 8,000 यो कुछ चवन था 26,000 कुछ टीहन तीन वन था मुख्तलिफ तादाद बुधाया था वन पर वे तादाद में मू उन दौर में मारिया मारिया वा हर जंग में मारिया वा इन में भी मारिया गया जगह इन में भी मारिया गया कें इनकार न करण घुर्जे कें जस्टिफाई न करण घुर्जे। अच्छा 60,000 स्लेव्स इंक्लूडिंग 30 यंग रॉयल वुमेन वर सेंड टू अल-हज्जाज। यो ताके रेफरेंस तो दियाव इन जो तारीख जो ये तारीख हकीकतूं हैं 60,000 का वधिक औरतूं न्याणियों सिंध जो जैमें 30 शाही घराने जो न्याणियों हुई उनके गुलाम बनाए उनके बानियों बनाए अल-हज्जाज वट मोकलियो। जाहिरा तां सोचो तो उन दौर में जेकर कें बानी के कें गुलाम के तां जोरी कैद करे कें बे इलाके कें बादशाह वटी कें गवर्नर वट मोकलियो तो उनको केतरो एहतराम थी हों पा अंदाजो लगे सको था। यह हकीकत आ 60,000 का सिंधी न्याणियों वरी दोहराया तो 60,000 का सिंधी न्याणियों हज्जाज बिन यूसुफ वट तोहफे तौर मोकल सभी जी हमलावर हों अची कर मुख्तलिफ जायन इो ही कह उत जो सोन हों जो माल हों घोड़ा हों ठगा हों मेह हों जो माल मुख्तलिफ सूरत में मौजूद हों अची कर लुटंदा हुआ उत्ते औरतू हों बार हों उनके कैद कर मर्दन के कैद कर उनके गुलाम ठाए मुख्तलिफ बाजार में विकड़ी वो यह शय उन दौर की आम हुई उनका कई सदियों तीन यह शय आम रही। अच्छा अरब रूल एंडेड इन 1024 व्हेन सुमरा डायनेस्टी टुक कंट्रोल ऑफ सिंध। 1024 ताईं यो अरबन जो रूल रहो उन्हीं का पोज ना सुमरन
अची करे सिंध जी जेका सल्तनत आहे या हुकूमत आहे उहा संभाली, उन खां पोइ मक़ामी हुअणु शुरू थियो आहे। अच्छा, इन ई दौर में हिकिड़ी मज़ेदार तव्हां हिकिड़ी कहाणी ॿुधायां त रेड्स ऑफ महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी इन ई दौर में जॾहिं एंड थिए थी हुकमरानी अरबन जी, उन दौर में महमूद गज़नवी अची करे सिंध ते अटैक कयो। महमूद गज़नवी अटैक सिंध इन 1025 AD। He destroyed Mansura. अच्छा, उहो कैपिटल मंसूरा जेको पुराणो ब्रह्मणाबाद हुयो उनखे अची करे अरबन मंसूरा जो नालो ॾिनो। उन्हनि अरब सगोरनि जे कैपिटल खे महमूद गज़नवी अची करे तबाह कयो, बर्बाद कयो, उते अची करे हज़ारे माण्हू उन क़तल कया। हाणे हिते मूंखे सम्झ में नथो अचे त उन दौर जा जेके हुकमरान मंसूरा जा अरब, उन्हनि खे बहितर चइजे या महमूद गज़नवी खे बहितर चइजे, पर कुझु दोस्त ॿिन्ही खे हीरो सम्झंदा आहिनि। मां परेशान आहियां, कुझु दोस्त महमूद गज़नवी खे बि हीरो सम्झंदा आहिनि ऐं अरब हमलिया वारनि खे बि हीरो सम्झंदा आहिनि, पर इहो महमूद गज़नवी अची करे जॾहिं सिंध ते अटैक कयो, मंसूरा खे लिटरली अची तबाह कयो, हज़ारनि जी तादाद में माण्हू क़तल कई हिते जे अची करे मंसूरा जा ऐं पसगीरदा जा जेके सिंध जा इलाइक़ा हुआ उन्हनि जा अची करे खज़ाना लुटी, अरब सगोरनि खे अची करे हिते कुठई। हालांकि हर बारी हुआ हर बारी वरी मक़ामी अरब चया वेंदा हुआ। इहो हिकिड़ी दिलचस्प कहाणी आहे, जॾहिं सिंधी माण्हुनि जेके अरबनि सां अची करे हिते माइटियूं कयूं, उन्हनि पाण में उन्हनि जॾहिं मिलिया त हर बारी हिकिड़ो ईअं सम्झो त हिकिड़ा माण्हू हुआ हर बारी जे नाले सां मक़ामी अरब चया वेंदा हुआ। उन्हनि जी हुकूमत जॾहिं हिते शुरू थी, उन्हनि जो कैपिटल मंसूरा ई रहियो, सेम रहियो, त उन्हनि ते अची करे महमूद गज़नवी इहो अटैक कयो हुयो ऐं इन हमले सिंध में अरबन जी हुकूमत जो ख़ात्मो कयो। हाणे इनखे भलो चऊं या ख़राब चऊं, वाट एवर जेको बि चऊं, पर महमूद गज़नवी जॾहिं अटैक कयो ऐं मंसूरा खे तबाह कयो त अरबन जो जेको हिते रूल हुयो सिंध में उहो ख़तमु थियो, एंड थियो उन। सो हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां महमूद गज़नवी खे छा चओ या अरबन जो जेको रूल हो उनजे बारे में जेका राय क़ाइमु कयो, पर तारीख़ी हक़ीक़त इहा आहे। अच्छा, सूमरा डायनेस्टी। सूमरा डायनेस्टी जे अचण सां सिंध में मक़ामी माण्हुनि जो जेको रूल आहे उनजी वरी शुरूआत थी। इहा सिंध जे मकामी माण्हुनि जे लाइ उन दौर में ज़ाहिर ख़ुशख़बरी हूंदी त सूमरा डायनेस्टी 1026 ईस्वी में सिंध में पंहिंजा पेर खोड़िया ऐं मक़ामी डायनेस्टी हुई, मक़ामी घराणो हुयो, सूमरा घराणो हुयो, उन पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु कई। ऐं जेके तव्हां दोदी सूमरे जूं कहाणियूं ॿुधो था ऐं ज़माने जूं जेके किसा कहाणियूं मशहूरु आहिनि उहे इन दौर सां वास्तो रखनि थियूं। इट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकल इंडिजीनियस रूल आफ्टर 314 ईयर्स इन सिंध। 314 सालनि ताईं राजा ॾाहर जे क़तल थियण खां पोइ 314 साल गुज़री चुका हुआ, सिंध में मक़ामी माण्हुनि जो रूल न हो मुकमल तौर ते। सूमरनि अची करे उहा सिंध जे मक़ामी माण्हुनि जी जेका हुकूमत आहे उहो स्टेटस अची करे रीगेन कयो। सिंध खे उहा जेका पुराणी असलूकी जेका हैसियत हुई आज़ादु मुल्क वारी, उहा सूमरनि अची करे वापसि ॾियारी। सूमरा डायनेस्टी रूल ओवर सिंध फॉर ओवर 300 ईयर्स। 300 सालनि ताईं सूमरनि जी सिंध ते हुकमरानी रही। सुमराज रूल एंडेड इन 336 AD। 1336 में सुमरा जेको दौर आहे उनजी पुॼाणी थी, 1336 में उनजो इख़्तिताम थियो, उन खां पोइ समा डायनेस्टी जो दौर शुरू थिए थो। अच्छा, समा डायनेस्टी जो जेको दौर आहे या समा घराणे जो जेको दौर आहे उन जी शुरूआत थिए थी 1336 खां। समा डायनेस्टीज एरा इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ सिंध। हिनखे सिंध जी तारीख़ में सुनहरी दौर तौर यादि कयो थो वञे। उनजा मुख़्तलिफ़ सबब आहिनि, उन में सिंधी लिटरेचर आहे, आर्ट आहे, कल्चर आहे, ई फ्लोरिश थिया, उन्हनि तरक़ी कई। ठट्टा बिकेम वन ऑफ बेस सिटीज फॉर एजुकेशन, लाइब्रेरीज एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन दैट एरा। त ठट्टी जो तव्हां नालो ॿुधो था त ठट्टो हिकिड़ो वॾो मशहूरु शहर थियो, उहो अची करे समन जे करे थियो। समन ठट्टे खे पूरे साउथ एशिया में एजुकेशन जो ईअं सम्झो त मर्कज़ ठाहे छॾियो। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां माण्हू हिते तालीम हासिलु करण जे लाइ, इल्मु हासिलु करण जे लाइ ईंदा हुआ। वॾियूं लाइब्रेरियूं हिननि क़ाइमु कयूं। इहा हिकिड़ी वॾी
तकलीफ दींदड़ गाल आए तो बाद में अरगुन तुरखान लाइब्रेरी में अच्छी साड़ियों ठटे के अच्छी कर बाहू दिनों इतने जहाँ जी खजाना हुआ वह लुटे पान को खी आया इतने जो मवाद मौजूद हुए किताबन की सूरत में या बिन मुख्तलिफ़ सूरत में उनके अच्छी कर तबाह कर अज जो तुम सिंध जहाँ पुराना हुक्मरान हुआ या पुराना घराना हुआ उन लिखतू तुम थी मिलन उन्हा उन दौर जो किताब आन उन दौर जो मवाद उन दौर में लिखल बादशाह के विच में खत या डिप्लोमेसी या पोलिटिकल इंटरेक्शन उन दौर जी होंगी उन निशानी को मिले बिन जगह से मिले तो बिन जगह तुम तुर्कन वट वो या मिसाल तौर ईरानी वट वो इतने एशिया में तक दिखारी बुधाइंदा कि सासानन के दौर जो लिखल खत है ये उन दौर जो थियल एग्रीमेंट है ये उनकी कॉपी है ये उन दौर जो लिखल किताब है उत्ते मिलन था छो उन्हें शुभ संभाल उत्ते एतरा बहर हमलियावर आया जितरा अस वट आया छो तो असो सॉफ्ट टारगेट हु एग्रीकल्चर सोसाइटी जहाँ मू हुआ पीसफुल मू हुआ अस कदम कें को अटैक पर ये मुख्तलिफ बहानों से इंदा हुआ अटैक करने मुख्तलिफ एक्सक्यूज दींदा हुआ कदम बार बार मुसलमान करा हुआ तो कदम बार बार वरी असा तहजीब सेखारा हुआ महजिब करने लाइस असा हुआ जब मौजूब करने के लिए इंदा हुआ तो असि मणन के कुहंदा हुआ मारींदा हुआ अटैक कंदा हुआ इतने जो लाइब्रेरी साड़ींदा हुआ इतने के मणन के मुख्तलिफ फतवाओं दई कर चवंदा हुआ तुम ही आयो ती आयो वो सिलसिलो बड़े जमाने तीन जारी रो कड़ी मखसूस शिकल में अज तीन जारी है। अच्छा उन्हें अरहून कॉन्क्वेस्ट एंड रूल अरहून जो उन्होंने 1524 में सिंध से अटैक कर सिंध शाह बेग जो हो एंडेड समा रूल एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान शाह बेग जी चंगेज खान के औलाद में अदा केर अची कर चवे तो उबलीस के औलाद में आया या भली गाल पर चंगेज खान के औलाद में आया वे हमलावर के औलाद में आया मान अच्छी इम्प्रेस कर बहरहाल इम्प्रेस कई मन अच्छी कुठई समन के अच्छी मारे इतने मकामी सिंध के आर्मीज के इतने अच्छी अटैक कई इतने मारे उन नतीजे में समा रूल जो हो सिंध जो मकामी रूल हो उनो अख्ताम थो वो एंड थो हि घो जमानो न हली सकया रूल ऑफ अरगुन्स एंडेड इन 1554। अच्छा हि अरगुन जो जमानो हो सिंधी बोली के लिए ढो दुख जमानो मुख्तलिफ बैन हया वा हुआ फारसी के तरजीह दिनी वी हुई सिंधी गाल मू के हिंसर चय तो वे कि जो सिंधी तो ऐल तो इलिटरेट तस्वर किया तो वे को अर्बन एरियाज में हिंसर भी कराची हैदराबाद में जो सिंधी गाल्ड़ आम शहर में जो मिल उन बारे में का खास पॉजिटिव राय मू न दीबा हालांकि ये इंतहा नेगेटिव है अरगुन के दौर में भी सूरत याद है तो फारसी के तमाम लिटरली जबान समझो वो हो रियाती जबान समझो वो हो ऑफिशियल लैंग्वेज समझो वो हो फारसी में शायरी कह फारसी गाल उनके मोतवर समझो वो हो हालांकि बोली दुनिया की का भी हो कम्युनिकेशन जो मीडियम उनकी कुछ को बोली से तय नो केर केतो डाहो है या केर केतो हुनरमंद पर एक पोलिटिकल एजेंडा हुई ना उन छो तो जो फारसी गाल मू हो अरगुन हो अरगुन कि मोतवर थे पान के चंगो मुड़स कें सदाय जदा वो जो बोली गाल तो उनके मू चो चवन सो उन अरगुन अची कर फारसी के इंट्रोड्यूस कराया सिंधी गाल मू हुआ उनके प्रेस करण के लिए बाबा जो करेस्पोंडेंस हुआ फारसी में गाल लिखो फारसी। अच्छा इन का अचे तो तुर्खान तुर्खान रूलर्स वर फ्रॉम तुर्क ओरिजन एंड देयर रूल स्टार्टेड इन सिंध इन 1554 तुर्खान्स रूल एंडेड इन 1591 मोस्ट ऑफ टाइम तुर्खान वर अंडर अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। अच्छा ही कें कें तरीके से वरी मुगलन से हूब अरगुन भी तरीके से मुगलन से कनेक्टेड हूँ राबते में हूँ सागे नमूने से तुर्खान हुआ पर तुर्खान जी ओरिजिन हुई वह हुई टर्किश हुई टर्क हुआ तुर्क मतलब तुर्क नस्ल से वास्तो रखंदड़ पाया भी सागी पॉलिसी जारी रखी अरगुन वाली
ऐं मुकामी माण्हुनि खे सप्रेस करणु, उन्हनि खे मारणु, उन्हनि खे परेशान करणु, ऐं हिते जेके मौजूदु जेके मुकामी माण्हू हुया उनखे पंहिंजे ताबे रखण जे लाइ जेका उनजी पंहिंजी ॿोली आहे उनखे प्रोमोट करणु, मकामी ॿोली खे जेको आहे डिस्करेज करणु, इहे शयूं दौर में तुरखान जे दौर में थींदियूं रहियूं। अच्छा, उन खां पोइ तुरखाननि खां पोइ मुग़ल अची विया। मुग़लनि चयो हाणे हिते तुरखाननि खे हिते सिंध ॾियणी कहिड़ी ज़रूरत आहे, असां पाण था हुकमरानी कयूं, हीअ असां वटि छो रिपोर्ट कनि, असां पंहिंजा जेके गवर्नर पाण था विहारियूं। ऐं मुग़ल रूल स्टार्टेड इन 1591 इन सिंध। देयर वर थ्री एराज ऑफ मुग़ल रूल, टे ज़माना हुया मुग़ल रूल जा। थोरो तव्हांखे उन बारे में ॿुधायां था। मुग़ल्स रूल्ड 1587 टू 1591 ऑन अपर सिंध। अपर सिंध ते 1587 खां 1591 ईस्वी ताईं हिननि अपर सिंध ते हुकुमरानी कई। मुग़ल्स रूल्ड ओवर ऑल टेरिटरीज ऑफ सिंध फ्रॉम 1591 टू 1700। अच्छा, 1591 खां वठी करे 1700 ईस्वी ताईं इहो जेको ज़मानो हुयो पूरी समूरी सिंध ते मुग़लनि जी हुकमरानी हुई। हिते मुग़ल अथॉरिटी कंटिन्यूड इन लोअर सिंध फ्रॉम 1700 to 1736। अच्छा, जॾहिं कलोड़ा अची विया, कलोड़नि जी हुकमरानी थी वई, उन खां पोइ बि लोअर सिंध ते 36 सालनि ताईं हिननि जी हुकमरानी कंहिं न कंहिं शिकिल में रही, हिननि जी अथॉरिटी रही मुग़लनि जी। अच्छा, इन खां पोइ वरी कलोड़ा डायनेस्टी शुरूआत थिए थी। इहो मक़ामी हुकमरान हुआ असांजा, ऐं कलोड़नि 1700 ईस्वी में अची करे सिंध जी हुकमरानी हासिल कई। हालांकि पुराणा जेके इलाइक़ा हुया, हदूं हुयूं सिंध जूं, उहे बाक़ी न रही सघियूं। हाणे हीउ जेको मेप तव्हां ॾिसो पिया, हीउ बेसिकली टालपुर एरा खे ज़ाहिर करे थो। 1823 में टालपुरनि जी हिते हुकूमत हुई, पर तक़रीबन इहे साॻा इलाइक़ा हुया जेके कलोड़नि वटि हुया। कलोड़नि बि इन्हनि तक़रीबन साॻियनि इराज़नि ते जेको आहे हुकमरानी बि कई, ऐं मौजूदा सिंध खां ई, माना ईअं सम्झो त 15-20% एरिया मौजूदा सिंध खां वधीक हुआ। उनमें मिछण कोट आहे या मथे पंजाब जा कुझु इलाइक़ा आहिनि, हींअर हाणोको जेको जाफ़राबाद आहे, ऐं या मिसाल तौरु बलूचिस्तान जा जेके कुझु इलाइक़ा आहिनि नसीराबाद वारा, या हेॾां असां चऊं था ईस्टर्न साइड ते त राजस्थान जा कुझु जेके इलाइक़ा हुआ उन दौर में इन्हनि जी हुकमरानी जे हेठि हुआ। Kalhoda rule started from 1780. It was one of most memorable and well-organized rule in Sindh. इनखे बि हिकिड़ो सुठो रूल तसवर कयो थो वञे कल्चरली लिटरली उन ज़माने जो। सिंधी लिटरेचर एंड आर्ट फ्लोरिश इन दिस एरा। उन दौर में जेको आर्ट हुयो, लिटरेचर हुयो, उहो फ्लोरिश थियो, उन तरक़ी कई। Kalhoda rule ended in 1783 after the हालाणी बैटल विथ टालपुर्स नियर मेहरापुर। हालाणी जी जेका जंग लॻी उन में कलोड़नि जी जेका फ़ौज हुई उनखे टालपुरनि जे हथां शिकस्त आई, ऐं कलोड़ा डायनेस्टी जो या कलोड़ा घराणे जो जेको दौरु आहे उहो ख़तमु थियो। अच्छा, इन खां पोइ आहे टालपुर डायनेस्टी। टालपुर रूल स्टार्टेड फ्रॉम 1783। सिंध वॉज डिवाइडेड इन थ्री स्टेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। या दुख त ॻाल्हि आहे, या शायदि उन्हनि सां मिसोल जे लाइ इहे कयो, सिंध खे टिनि हिसनि में टालपुरनि विरिहायो, खैरपुर रियासत, हैदराबाद रियासत ऐं मीरपुर ख़ासि रियासत। एडमिनिस्ट्रेटिवली दिस रूल इज़ कंसिडर्ड वीक इन रूल्स ऑफ लोकल डायनेस्टी। जेके बि मकामी हुकमरान रहिया उनखे जेकर असां कंपेयर कयूं त कंहिंजो रूल कहिड़ो हुयो, उन्हनि में टालपुर जो जेको रूल हुयो एडमिनिस्ट्रेटिवली थोरो वीक हुयो, इंतिज़ामी लिहाज़ खां उन में शायदि कुझु कमज़ोरियूं हुयूं। टालपुर्स रूल एंडेड इन 1843 आफ्टर बैटल ऑफ म्याणी एंड बैटल ऑफ दुबो इन विच चार्ल्स नेपियर डिफीटेड सिंध आर्मी नियर हैदराबाद। 1843 में जॾहिं म्याणी ऐं दुबे जी जेका जंग थी त उन दौर में सिंध जे मकामी माण्हुनि जे हुकमरानी जो एंड थियो, इख़्तिताम थियो, ऐं अंग्रेज़नि अची करे हिते हुकमरानी कई। ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश आर्मी कॉन्कर्ड सिंध इन
1843 ब्रिटिश रूल इज कंसिडर्ड ऑर्गनाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ ब्रिटिश जो हुक्मरानी हुई उनमें हजार खामियों सही पर हिकड़ी शे उनके बारे में चई थी वने तो हु इंतजामी तौर पे इंतहाई ऑर्गनाइज्ड हुए इंतजामी तौर पे उन्हन में वड़ी सलाहियत हुई जो इंतजाम हो सिंध जो या पसगीरदाई में जो भी इलाका हुआ उन जो इंतजाम इफेक्टिवली हलाइंदा अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट फेस्ड अ 10 इयर्स गोरिला वार यो कहानी तमाम घट मानन की खबर होंगी जो सिंध में बगावतू थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ टे बगावतू थी तो नंढी सोर्सू थी रही हैं पर टे वो बगावतू सिंध में थी अरह सौ टेताली का उतेताली के बिच में अरह सौ टेताली का उतेताली के बिच में टे बगावतू थी गोरिला वार्स थी आर्म स्ट्रगल्स पा चवंदा आयूं आर्म स्ट्रगल्स उ टे थी पहरी जगह वह आर्म स्ट्रगल थी वह 10 साल जारी रही मीर शेर मोहम्मद तालपुर कई अच्छा 1843 में जैसे यह जंग थी तो मीर शेर मोहम्मद तालपुर मीरपुर खास में हुए इन म्याणी वाली जंग में पहुंची न सको टाइम में टाइम से न पहुंचने के कर शिकस्त भी थी इतने असाजे हमरान में हाल न हो जो विड़ी सकन चालाक हुआ बारूद के बाहर दिनों मुख्तलिफ शूं जैसे कर उन साजिशन के करे जो सिंध की आर्मी हुई तमाम बहादुरी से विड़ी 10-15 हज़ार मानू शहीद थे उन बावजूद भी सिंध की आर्मी तालपुर की आर्मी शिकस्त का थी पर जो मीर शेर मोहम्मद तालपुर चवन था तो मौजूद हुए हा बैटल ग्राउंड से हालतू कुछ भी हुजन हा नतीजा कुछ बया हुआ मिलिट्रीली मीर शेर मोहम्मद तालपुर के बारे में चे तो वे तो जो स्ट्रांग हो उन जै वरी दुबे से पहुतो उनमें भी शिकस्त थी शिकस्त के नतीजे में अंग्रेजन सिंध हुक्मरानी करण शुरू कई पर उन बावजूद मीर शेर मोहम्मद तालपुर 10 साल तक गोरिला वार विड़ी है चवन था बाद में सही जो सिंध में जो मानू हुए उनको रेस्पॉन्स सही न पे आया बया के सब थी सकता वह गोरिला वार 10 साल का एंड थी वही अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्कड ऑन सिंधी अल्फाबेट एंड सिंधी बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग देयर रूल इन सिंध अंग्रेजन अची करे सिंधी बोली दे कम कयो अल्फाबेट ठाही जो सिंधी बोली के उन दौर में सरकारी बोली जो दर्जो मिले बावजूद समूरन खामियन के यो एकड़ो उन जो चंगो कम हो तो सिंधी बोली के एकड़ो रुतबो मिलो सिंधी लिटरेचर उन बाद में उसरण शुरू कयो या उनकी जेका है इर्तका थी अच्छा देयर वर टू अदर गोरिला वार्स इन सिंध फाउट बाय हुर्स फर्स्ट इन 1890s एंड सेकंड इन 1939 टू 1943 ब गोरिला वारू जगे जंगू हैं वार्स हैं जगे बथियो हैं वो बई हुरन विड़ी हैं पहली जगह 1890 वाले दहाके में गोरिला वार पहली जगह गोरिला वार विड़ी हुई बी गोरिला वार तो तमाम स्ट्रांग हुई जिनके करे अंग्रेजन के कानून साजू करनी पियूं हुरन के रोकने के लिए तमाम वे पैमाने से वह जंग विड़ी वही जी 1939 का वी 1943 तीन कुछ चवंता उन जंग हली पर ऑफिशियली जी फिगर्स दिन थी वन 1939 का वी 1943 तीन वह जंग हली वो पीस पागारो जो हो उन जंग के गोरिला वार के लीड किया में हजार की तादाद में सिंधी नौजवान जेके हुआ या सिंधी मानू जेके हुआ दौर जा उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट कयो जो शहीदन जो तादाद भी कुछ चवन था 10,000 कुछ चवन था उन्हें का वधीक एतरा मानू कुछ चवन था कुछ अन्या वधीक अंग बुधाइन था 30,000-40,000 ताई मानू शहीद थे हाँ तो अंदाजो लगाओ तो जिन कें बिन टिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर छो तो यहाँ जंग हली पे टिन का चैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे हली इन न इन का बहर निकरण ही को दिनों हो एतरी प्रोपगेंडा उन दौर में होरन के खिलाफ कई वही एतरो उनके बुरो भलो चो उनके एतरो बदनाम करने की कोशिश कई वही जो आम सिंधी मानू यो पे समझे तो इन इलाके में को ऑपरेशन हले पो इन खिलाफ धाड़ेल के खिलाफ होरन के धाड़ेल मशहूर कर
उनके बदनाम कर तो जी आम सिंधी माने पार्टिसिपेट न कर हिं थे तो को आवाज उथारे तो उनके इल्जाम हणी कर चुप करा तो वे माठ करा तो वे उन मुख्तलि इल्जाम लगन था जी बो आम मानू उन मूवमेंट हिस्सों न थी सके उन तहरीक जो हिस्सों न थी सके उन जमाने में या सागी कार थी बुरन सा बदकिस्मती से जो एडी वही स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट हुई उह को नतीजो न दई सके नतीजो न देने के कर पीर साईं के शहीद किया वो हजारे सिंधी हुरन के कत्ल किया वो नतीजा उ निकता जी अंग्रेजन चाहा पे बाद में इवन सिंध असेंबली में उनके खिलाफ हुर एक्ट मंजूर कराए वो सिंध में मार्शल लॉ उन दौर में लगाई वही उन दौर में आर्म्ड व्हीकल्स पा दिसा बख्तरबंद गाड़ी टैंकू उन इलाक में मखी बेले में बेन इलाक में हलए कर सप्रेस किया बहरहाल वही गोरिल्ला तहरीक हुई उन वही कुर्बानी उन गल को अंदाज घुर्जे हुरन जो कुर्बानी काफ़ी सारे तक उन इलाक में तुम वो उन फैमिलीज उन मौजूद बुधाइंदा असो डाडो असो नानो उन गोरिल्ला तहरीक में वीडियो हुए तहानी बुधाइंदा पर ये अड़ी कहानियों अड़ा बाब आज जो न विरजाया था वन न वरी गाया था वन उनके वो बेड़े कॉन्टेक्स्ट में पेश किया हालांकि उन दौर में वतन या कफन जो नारो हणी कर यो खुलेआम पीर साईं पागारे बेन सिंधी होरन यो बुधाया पे अस सिंध की आजादी के लिए विढ़ी रहा है अंग्रेजन के खिलाफ खुलेआम उन्होंने पे पर उनके वही कॉन्टेक्स्ट में पेश किया तो वे अच्छा ब्रिटिश रूल एंडेड इन सिंध एंड सब कॉन्टिनेंट इन 1947 1947 में यो जो को ब्रिटिश रूल आ वो एंड थियो टू न्यू कंट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इंडिया एंड पाकिस्तान अच्छा उन्हें का पो लास्ट स्लाइड आए पाणन ते एंड करण वारा सिंध जी तारीख के जद 1947 में पाकिस्तान थयो उन्हें वो नओ एरा पॉलिटिकल एरा शुरू थो है जैमें पाकिस्तान के वफाक से गड सिंध शामिल थी अच्छा सिंध वॉलंटियरली जॉइंड न्यू कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन एज अ फेडरेटिंग यूनिट ही याद रखना घुर्जे तो सिंध जद पाकिस्तान के वफाक में शामिल थी एक पार्टनर तौर शामिल थी एज अ फेडरेटिंग यूनिट शामिल थी बाकायदा जी उन दौर जहा फेडरेटिंग यूनिट्स हुआ बया उनमें बंगाल शामिल हुए जी ईस्ट पाकिस्तान चवंदा हुआ या पंजाब हुए के पी के हुए या बलोचिस्तान हुए ये समूरा फेडरेटिंग यूनिट्स हुआ उन दौर में उन सभी का पहरी सभी का अवल सिंध वॉलंटियरली रजाकाराना तौर से पाकिस्तान के वफाक में शामिल थी अच्छा वो कें शामिल थी उनकी कहानी तुझे मुस्लिम लीग सिंध प्लेड एक्टिव रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध की जो मुस्लिम लीग हुई जी साई जी एम सैद लीड पे कर दौर में तो उन पाकिस्तान ठाने की जो मूवमेंट हुई उनमें तमाम अहम रोल प्ले कर सिंध असेंबली वॉज फर्स्ट असेंबली टू पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जी एम सैद इन सिंध साई जी एम सैद जो सिंध असेंबली में जो पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन पेश पहरी सिंध जी मतलब असेंबली हुई पूरे सब कॉन्टिनेंट में जेके भी असेंबलीज हुई उनमें ही पहरी असेंबली हुई जे इो ऑफिशियली बिल पास कयो या यो इ खड़ी चाहिए या करारदाद पास कई तो असा पाकिस्तान में शामिल थियण था चाहूँ पाकिस्तान के कायम थियण घुर्जे बी कें भी असेंबली जी शुरुआत को नजर अचे सिंध असेंबली या शुरुआत कई हालांकि उन दौर में जो मुख्तलिफ मानू हुआ उन मुखालफत कई सिंधी हिंदू मुखालफत पे कई उन बबा अस ठही वासी छो था कर साई जी एम सैद के चयों पे बबा यो दरिया रे दिलदास में साई किसो बुधाए तो चयों सैद पा ठही वासी छोता कर पर साई चो न पाकिस्तान ठहणो आने पाकिस्तान ठही पर बहरहाल उनते साई बाद में जो भी गालू चयन पर साई वो करारदाद पास कराई पाकिस्तान की करारदाद हुई उनमें उन करारदाद में क्लियरली लिखल हुए तो जी भी रियासतू पाकिस्तान में शामिल थन्दूँ उ खुद मुख्तियार हूँ उद मुख्तियार हूँ बाद में उनके रियासत की जगह से रियासत किया वो
1946 में साईं जेम्स जो मुस्लिम लीग सां इख़्तिलाफ़ थियो, हिकिड़ो अलॻि चैप्टर आहे, पर जॾहिं इहो क़रारदाद पास थी सिंध असेंबली मां, त उनमें क्लियरली लिखियलु हुयो त असां पाकिस्तान ठाहिण था चाहियूं, सभु जेके फेडरेटिंग यूनिट्स आहिनि उहे मिली करे पाकिस्तान ठाहींदासीं, जेके बि हिन में मुस्लमान अक्सरती इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में जेको आहे मुसलमान जी हुकमरानी हुजणु घुरिजे, ऐं उहे जेके इलाइक़ा आहिनि, उहे जेके रियासतूं आहिनि, पाण में मिली करे जॾहिं पाकिस्तान ठाहींदियूं, उहे आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख़्तियार हुयूं। इहो पाकिस्तान जो रेज़ोल्यूशन थो चवे, जेको लाहौर में पास थियो हुयो, उन खां पोइ उन रेज़ोल्यूशन खे साईं जी एम सेर सिंध असेंबली में पास करायो। तारीख़ी हक़ीक़त आहे, यादि रखणु घुरिजे। अच्छा, सिंध प्लेड की रोल टू होस्ट मुस्लिम रेफ्यूजीज ऑफ इंडिया। इहो बि हिकिड़ो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे सिंध जो, ऐं लखनि जी तादाद में जॾहिं इहा लड़पलाण थी, जॾहिं पार्टीशन थी, तमामु मारामारी पई थी, तमामु खूनरेज़ी पई थी, लखनि जी तादाद में जेके रेफ्यूजीज इंडिया मां आया, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां, यूपी मां, सीपी मां, गुजरात मां, राजस्थान मां, या जेको ईस्टर्न पंजाब हो, उन मां जॾहिं उहे आया पिया रेफ्यूजीज, मुस्लिम रेफ्यूजीज, उन्हनि खे सिंध पनाह ॾिनी, कराची में, हैदराबाद में, सखर में, पुखास में, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उन्हनि खे आबाद करायो। अच्छा, currently Sindh is major contributor of revenue, natural gas, oil, coal and trade through sea port. ये वड़ो contribution था तारीख में, जेके contribution होता है ना common जा, जेको कौम जेको या के खिता जो contribute करता है ना, वो याद रखना बहुत जन। 1947 का वटी करे हेसी ताई सिंध वड़े मां वड़ो जेको revenue contributor रहो। तारीख मौजूद आहे उनजी, रेवेन्यू वॾे मां वॾो जनरेट किथां थींदो आहे, सिंध मां। नेचुरल गैस घणे मां घणी किथां प्रोड्यूस थींदी आहे, सिंध मां। ऑयल, नेचुरल ऑयल घणे खां घणो केरु कंट्रीब्यूट कंदो आहे, सिंध। कोयलो मोर देन 90% सिंध। सीपोर्ट सिंध। त हाणे इहे जेके बि कंट्रीब्यूशन्स आहिनि सिंध जा, उन्हनि खे पॉलिटिकली कॾहिं बि रिकग्नाइज़ कयो ई कोन थो वञे, उनखे रिकग्निशन मिले ई कोन थो वफ़ाक़ जे तरफ़ां फेडरल लेवल ते, पर सिंध एज़ अ पार्टनर, एज़ अ फेडरेटिंग यूनिट इहे शयूं कंट्रीब्यूट करे थो। इहो असांजे माण्हुनि खे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे तारीख़ी तौर ते, त इहे इहे शयूं तारीख़ जो हिसो आहिनि, त जेको कंट्रीब्यूटर आहे वॾे मां वॾो रेवेन्यू जो, नेचुरल ऑयल जो, गैस जो, ऐं जेको ट्रेड थिए थी सीपोर्ट जे थ्रू, उहा उनजो जेको कंट्रीब्यूटर आहे उहो सिंध आहे। अच्छा, हाणे इहे कुझु हक़ीक़तूं हुयूं, छो तारीख़ तमामु पेचीदा हूंदी आहे, ऐं तारीख़ खे जॾहिं असां स्टडी कंदा आहियूं, पढ़ंदा आहियूं, उन जूं काफ़ी सारियूं डिटेल्स हूंदियूं आहिनि, उनजा काफ़ी सारा पासा हूंदा आहिनि, एस्पेक्ट्स हूंदा आहिनि। सो हिते मूं सरसरी तव्हांखे शयूं ॿुधायूं आहिनि, त असां हिन हिकिड़ी क्लास में जी शयूं कंक्लूड करे सघूं, या हिकिड़ी क्लास में, हिकिड़े सेशन में उहे शयूं असां तव्हांखे ॿुधाए सघूं। मतिलबु जॾहिं तारीख़ ते ॻाल्हाइणु शुरू कंदासीं, त हिकिड़े ई एरा ते जेकॾहिं ॻाल्हाईंदासीं, त हिकिड़ो कलाक ॿ कलाक काफ़ी न हूंदा, पर मूं कोशिशि कई त घटि टाइम में तव्हांखे जेका सिंध जी तारीख़ आहे उनजो तारुफ़ कराए सघां। ऐं इन में मुख़्तलिफ़ जेके राइटर्स आहिनि उन्हनि खे मूं स्टडी कयो, पर सभिनि खां वधीक MH पहवर, उनखे तव्हां ज़रूरु पढ़ो। साईं MH पहवर जो जेको सिंध जी तारीख़ ते कमु आहे, उहो इहो सम्झो यादगार आहे। हीअ जेका प्रेज़ेंटेशन आहे उन में वॾो कंट्रीब्यूशन जेकॾहिं आउं ॾियणु चाहींदुसि, साईं MH पहवर जे लिखणनि खे ॾियणु चाहींदुसि, उनजे राइटिंग्स खे ॾियणु चाहींदुसि, उन्हनि खे ॾिसी करे मुंहिंजी प्रेज़ेंटेशन जो जेको मवाद आहे उहो सहेड़ियो आहे। सो तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी जेके ॿुधनि पिया था, ऐं इनशाला सुभाणे नए मौज़ू सां जेको आहे हिते पाण गॾबासीं, हिन ई प्रेज़ेंटेशन सुभाणे तव्हांजे आॾो पेश थींदी। महिरबानी।